क्या-क्या महसूस किया आपने इस एग्जीबिशन के दौरान? आई थिंक इतनी ग्रैंडियोज ब्यूटी कंबाइंड विद अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉट ऑफ डिविनिटी, इट्स गॉट सच ब्यूटीफुल थॉट्स. आपको एक किसी और ही दुनिया में ले जाती है. हर एक पेंटिंग की एक कहानी अलग है. सो स्पेशली जो घाट्स का उन्होंने जो बनाया है अमित जी ने, इट्स ब्यूटीफुली डिपिक्टेड, इट्स सो ब्यूटीफुली एंड यू फील है कि आप वहीं पहुँच गए बनारस के. तो बेसिकली मुझे लगा आज हम बनारस पहुँच गए. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैंक्विलिटी इन हिज पेंटिंग्स. एंड जो मैंने नोटिस किया कि पिजन्स, इन्होंने कबूतर का बहुत प्यारा यूजेज किया है अपनी पेंटिंग में. एज अ मोटिफ इज़ यूज इट. जैसे हम अपने सिंगर्स, अपने म्यूजिशियंस जो होते हैं, अपने गाने में एक सिग्नेचर लाइन होती है या हुक लाइन होती है, तो मुझे लगता है इनका सिग्नेचर मुझे पिजन्स एंड ट्रैंक्विलिटी लगा. एंड आई एम एब्सोल्युटली, आई थिंक आई एम ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर वर्ल्ड, अ डिवाइन वर्ल्ड ऑफ आर्ट विद अमित पेंटिंग्स. इट इज़ ब्यूटिफुल रियली. कंग्रेचुलेशन. थैंक यू. आई वॉन्ट टू से समथिंग. Being the cultural ambassador of Seychelles, the photographs, what we have observed, were remarkable, and we welcome him that he should come to Seychelles also, and so that he can put up the exhibitions like this there also. And the exhibitions is what we have seen, it's the divine creativity what he has shown, which is not possible from the ordinary person. He is something spiritualism is there in him, which you can see in the photographs. I congratulate him. And what has been done out here should be done all over the India, because his painting symbolizes Banaras, Ganga, prison, which itself speaks a lot about Hinduism, about our tradition, about our culture. And I congratulate him. Thank you. एक्चुअली दुनिया में इतना टेंशन है ना, ये टेंशन हम दूर करना चाहते हैं मेरा पेंटिंग का माध्यम से. तो मेरा पेंटिंग वही है कि थोड़ा सा भी सुकून मिले आदमी को, वही मेरा सार्थकता है.